दोस्तों, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ दीपा सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा छोटी सरकार कार्यक्रम चला हुआ है, जिसमें हम जिला परिषद, नगर परिषद चेयरपर्सन के उम्मीदवार और पंचायत के चुनावों को लेकर खास लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं। इसी कड़ी में, इसी सफर में हमारे साथ आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 से ब्रजेश कटोहा, जो कि जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवार हैं जननायक जनता पार्टी से। हम बातचीत करते हैं उनसे, जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर विकास करना चाहते हैं और इस बार ये जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, क्या कुछ करना चाहते हैं गांव में, किस तरह का विकास अभी तक हो चुका है या फिर आगे इनकी रणनीति क्या है विकास कार्यों को लेकर के, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। दीपा जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के विकास कार्य आपके गांव में अभी तक हो चुके हैं। नहीं, गांव में हमारे में बहुत विकास कार्य हो चुके हैं, बाकी कुछ कमी ऐसी हैं जो अभी रह रही हैं। जैसे हमारे गांव में क्या, मैं गांव की बात नहीं करूंगा, मैं वार्ड की बात करूंगा। मैं अपने वार्ड में सारे गाँव में घूमा हूँ, तो मेरे वार्ड में मैंने देखा कुछ रास्तों में अंधेरा हुआ रहता है, लाइट नहीं है, और गाँव में कैमरे अभी नहीं लगे हुए हैं। हमारे सबसे बड़ी जो कमी है हमारे क्षेत्र में, एक खेल स्टेडियम की, अगर जनता रूपी आशीर्वाद रहा तो एक खेल स्टेडियम बनाएंगे। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइट की समस्या है, कैमरे भी नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं होती हैं वार्डवासियों को जब वो इन दिक्कतों को फेस करते हैं। जी, रात को अंधेरा होता है तो खतरे का तो एहसास रहता ही है किसी को, कोई भी हो, और खासकर लेडीज को ज़्यादा खतरा होता है। तो हम गांव के हर गलियों में लाइट लगवाएंगे और हर गलियों में कैमरा लगवाएंगे और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे। जी, मैं बात करूं वार्ड की बिजली व्यवस्था की, तो किस तरह की बिजली व्यवस्था है आपके यहाँ पर? बिजली व्यवस्था वैसे तो ठीक है, बाकी मैं अपने वार्ड में सारे गांव में 24 घंटे की बिजली करवाने का प्रयास करूँगा। जी, अगर मैं बात करूँ पानी की और साफ सफाई की, तो जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था आपके वार्ड में? नहीं, पानी की तो समस्या हमारे वार्ड में ज़्यादा नहीं है, पानी की तो व्यवस्था हमारे वार्ड में लगभग ठीक ही है, बाकी साफ सफाई है ये थोड़ी, मैंने 2-4 गांव में देखा है तो साफ सफाई चरमराई हुई है, बाकी इसे भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी पिछले 2 सालों से कोरोना का काल गया है और अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इस दौरान लोगों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लोगों के पास रोजगार नहीं था, यहाँ तक कि खाने पीने के लिए राशन तक नहीं था, तो उस दौरान आपने किस तरह से लोगों की मदद की? ऐसा दीपा जी, कोरोना काल में मेरे गाँव वासी बैठे हैं, मेरे वार्ड वासी भी बैठे हैं, उन्हें ये गवाहें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब कोरोना काल चल रहा था तो मैंने अपने गांव को मोड़ के यहाँ पे पानी की छबीले लगवाई थी, मैंने खाने की व्यवस्था करवाई थी, मैंने रुकने की व्यवस्था यहाँ पे अपने गांव के मोड़ पे करवाई थी मजदूरों के लिए, और लोगों की आर्थिक तौर पे भी मदद की थी। और अब बेरोजगारी हो रही है तो मैंने रोजगार दिलवाने का भी काम मैंने अपने वार्ड में किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रजेश अटोहा जी एक युवा उम्मीदवार हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि खासकर युवाओं के लिए क्या कुछ प्रावधान इनके पास हैं, किस तरह के कार्यक्रम हैं, ये आने वाले जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कुछ विकास कार्य कराने जा रहे हैं? जी, युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही लक्ष्य है, अपने वार्ड में एक अच्छा सा बेहतरीन खेल स्टेडियम बनाऊं। हमारे जो यूथ हैं, हमारे बच्चे हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, वो रोडों पे भाग रहे हैं, वो कच्चे रास्तों में भाग रहे हैं, तो वहाँ एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, और बहुत बड़ी समस्या ये हमारे वार्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अच्छा सा खेल स्टेडियम बनवा देंगे, अच्छा सा ट्रैक बनवा देंगे, तो बहुत अच्छी सहूलियत हमारे यूथ को मिलेगी, और मेरा सबसे बड़ा प्रयास यही रहेगा कि मैं अपने वार्ड में एक बड़ा सा खेल स्टेडियम बनवाऊँ। अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो आपके वार्ड में शिक्षा व्यवस्था का क्या कुछ प्रावधान है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था तो मेरे वार्ड में बहुत ही अच्छी है, हमारे सामने फेरा गांव में, वहाँ भी बहुत पुराना और बहुत बड़ा स्कूल है, और गांव में हर गांव में प्राइवेट स्कूल, शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। जी, आगे हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, पानी भी बहुत यहाँ पर कोई सुविधा है जो दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, और जैसा कि उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है या जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिस्पेंसरी होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी जो होती है, किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं? जी, आंगनवाड़ी केंद्र वो तो लगभग सभी गाँव में अच्छे हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं।
बात हेल्थ करी तो हेल्थ की व्यवस्था चरमराई हुई है वार्ड में मेरे, ये मैं मान रहा हूँ, हर गांव एक दो गांव को छोड़कर बाकी हर गांव में हेल्थ की व्यवस्था चरमराई है और हमें इसे सुधरवाने का और इसे अच्छे से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ पर हेल्थ की व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है, तो क्या कुछ कमियाँ हैं और अगर जनता आपको वोट देकर चुनाव में लाती है, आप जीतते हैं, तो क्या सुविधाएँ प्रदान करेंगे, इसमें क्या सुधार आप लेकर आएंगे? कुछ दीपा जी, कुछ स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, उनमें या तो वो बंद पड़े हैं या कुछ गांव में कुछ वार्ड में कुछ बनने वाले हैं, तो जो बने पड़े हैं उनमें डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे और जो बनने वाले हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करेंगे। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि अटोहा जी से हमारे साथ विजय सिंह है और इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया है कि गाँव में किस तरह का जो प्रभाव है, भी आर्थिक समस्याएं भी हैं और भी कुछ परेशानियां हैं स्वास्थ्य को लेकर के या फिर कुछ विकास के मुद्दों को लेकर के, जिनको सुधारने का ये प्रयास करते हैं। और अभी हमारे साथ इसी कड़ी में और भी वार्ड के कुछ सदस्य मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम ब्रिजेश अटोहा को वो चुनते हैं तो किस तरह से उनका चुनाव करते हैं, किस आधार पर, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम सर? जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसे वोट देने वाले हैं और किस आधार पर आप वोट देने वाले हैं? आपका जो ब्रिजेश को वोट देने का जो आपका खुद का जो विकल्प है, जो चुनाव आपने किया है, वो किस आधार पर है? आप जातिवाद, धर्मवाद या फिर परिवार के नाते वोट देना चाहेंगे या फिर विकास के मुद्दे को देख करके वोट देना चाहेंगे? विकास के मुद्दे जी, विकास किस तरह का विकास आप चाहते हैं गाँव में? गाँव में जैसे हमारा एक रोड है अपने यहाँ से रेलवे लाइन से लेकर सेलोटी तक का रास्ता, वो बनना है। गाँव में जैसे बैंक ठोल नहीं है, वो बनना है, ऐसे कई कार्य और हैं। आगे हमारे साथ और भी मौजूद हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम है भास्कर। जी भास्कर जी, भास्कर जी, जैसे कि आप युवा हैं और ब्रिजेश जी भी युवा उम्मीदवार हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ प्रावधान चाहते हैं, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? मैम, आपने देखा होगा हमारे देश में जो है युवाओं के लिए साधन हमेशा से कम रहे हैं, पिछले बहुत समय से इसकी मांग रही है। ब्रिजेश भाई की योजनाएं हमारी समझ में आती हैं, हमें अच्छी लगती हैं और मुझे ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों की भी समझ में आएंगे, जो उनका खेल स्टेडियम बनाने का जो हमारा सपना है युवाओं के लिए, युवा बच्चे वहाँ पे अभ्यास करेंगे और उनको एक बेहतर भविष्य मिलेगा। तो ये भाई की सोच काफ़ी अच्छी है, हम इसका समर्थन करते हैं और इसी मुद्दे को लेकर बाकी भाई ब्रिजेश तो वहाँ बहुत ही जागरूक और सचेत व्यक्तित्व के मालिक हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की थी, हमने देखा काफ़ी वर्षों से हम उनसे परिचित हैं। भाई दुष्यंत के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को कोरोना काल में सिलेंडर से लेकर बेड तक की व्यवस्था उन्होंने मुहैया कराई थी और आर्थिक तौर पर भी उन्होंने लोगों को मदद की। तो हर कोई चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति वार्ड का चुनाव जीते और लोगों के लिए कार्य। तो किस आधार पर आप वोट देना चाहेंगे, विकास के मुद्दे को लेकर या फिर भाईचारे के नाते? जी, भाईचारा भी है थोड़ा, लेकिन विकास का उनकी जो योजनाएं वो मैं मानता हूँ, वो उनको जिताने का काम करेंगे और लोगों की समझ में आएंगी, लोगों के हित के लिए हैं वो और उनका विवेक हमेशा जो है बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। आगे इस कड़ी में हमारे साथ बाबा भी मौजूद है। क्या नाम है बाबा आपका? बाबा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड नंबर 13 से युवा उम्मीदवार ब्रिजेश अटोहा जी इस बार चुनावी मैदान में है, तो आप किसे वोट देना चाहेंगे और किस आधार पर आप वोट देना चाहेंगे? वोट विकास के आधार पर देना चाहेंगे और बहुत कर्म बच्चा है हमारा, आज से नहीं काफ़ी समय से हर पब्लिक के लिए, विकृत जाति धर्म के लिए हर कार्य संपन्न रूप से कार्य कर रहा है। अगर मैं बात करूं आपके पेंशन की और जो भी बुज़ुर्गों की व्यवस्था होती है, तो किस तरह की दिक्कत आपको अभी अपने वार्ड में मौजूद होती है कि ये कमी है, इसमें सुधार होना ज़रूरी है? ऐसा है मैम, कुछ जो पेंशन के योग हो चुके बुज़ुर्ग हम जैसे, उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है, कई बार प्रशासन डिले कर देता है, तो उसमें हमारे भाई ने बेटे ने कई बार जाके गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है और तुरंत खड़े खड़े काम प्रशासन से करवाया जी। और किस तरह की समस्याएं आपको अभी लगती हैं जिनमें सुधार होना चाहिए?
युवाओं के बच्चों के लिए जो कार्य इनने उठाए हैं वो संपूर्ण रूप से अगर भविष्य में हम प्रभु का आशीर्वाद रहा तो बन गए तो हमारे वह पूरी संभावना हुई कार्य के। और बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। आपका नाम सर? मैं राजू। जी सर, जैसे कि एक आप युवा हैं और विजय शर्मा भी युवा उम्मीदवार हैं आपके वार्ड नंबर 13 से, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं आपको प्रदान है और किस चीज़ का अभाव हो रही है? देखो मैडम, मैं एक राज्य लेवल का स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी, और मैं मानता हूँ कि पहला सुख जो निरोगी खाया जी, जी। तो मैं अपने अंकल बजरी सटोहा से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में और भी जो 10 गांव आते हैं इस वार्ड में, सारे गांव में घूम के भ्रमण करके जिस भी गांव में व्यायामशाला नहीं है युवाओं के लिए व्यायामशाला का प्रबंध करवाया जाए, मेरा मानना ये, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यही अपील करता हूँ, यही मेरी इनसे जो है मांगने की इच्छा जी। जो अभी आपने देखा होगा जो नए युवा हैं जो स्पोर्ट्स की तैयारी में जुड़े हुए या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है या फिर कुछ समस्याएं क्या बनी हुई हैं? देखो मैडम, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो पलवल डिस्ट्रिक्ट के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं और उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्टेट जाके वो अपने गेम की प्रैक्टिस करते हैं। मैं सरकार से और युवा जलाधर ब्रजेश अटोहा जी से ये जो है उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे ही होम डिस्ट्रिक्ट में रहें, यहीं प्रैक्टिस करें, हमारे यहाँ अच्छे कोचेज भी हैं और व्यायामशाला का प्रबंध भी करवा जाए, एक उचित स्टेडियम भी बनवाया जाए जी। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आप वोट किस आधार पर देंगे, विकास के आधार पर या फिर भाईचारे के उद्देश्य से? देखो सेम ही गांव हमारा है और मेरे अंकल भी लगते हैं, बाकी वोट कभी भी भाईचारे के आधार पर ना हमने कभी दी है और ना मैं किसी को देने की सलाह देता हूँ, केवल और केवल जो समाज से भी है, समाज के लिए अच्छा काम करता है, वोट उसी को मिलनी ही चाहिए, मैं सभी से अपील करता हूँ जी। जी, तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 13 से वार्ड वासी कुछ जिनसे हमने बातचीत की। आपने जाना कि गांव में कितनी कुछ सुविधाएं ऑलरेडी हैं और कुछ सुविधाएं ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं प्रदान की गई हैं, जिनके बारे में ब्रिजेश अटोहा जी ने बताया भी, और वो ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी दिलासा देते हैं लोगों को कि जब वो जीतते हैं, चुनावी मैदान में आ गए हैं वो, तो आगे इन सुविधाओं को वो जरूर उपलब्ध कराएंगे और जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उन्हें खत्म करेंगे। तो इसी को विराम देते हुए हम ब्रिजेश अटोहा जी से ये बात करते हैं कि वो आखिर क्या अपील करते हैं अपनी वार्डवासियों से जी। मैं अपने वार्डवासियों से अपील करूँगा, अपना वोट रुपया आशीर्वाद देकर मुझे प्रदान करें और मुझे मजबूती दें और आपके विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा जी। जैसा कि आपने देखा, तो ये थे हमारे साथ ब्रिजेश अटोहा जी, वार्ड नंबर 13 से जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवार। बने रहिए आप हमारे साथ खास क्रम में। मैं सर्वोदय टीवी से दीपा सिंह, नमस्कार। दर्शकों, सर्वोदय टीवी से आपके साथ मैं हूँ दीपा सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो खास क्रम दोस्तों चला हुआ है, यह है छोटी सरकार, जिसमें हमें जिला परिषद, नगर परिषद पद की उम्मीदवार और पंचायती चुनावों को लेकर जो भी प्रत्याशी मैदान में इस बार उतरे हैं उन सभी से आपकी बातचीत करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 13 से आकांक्षा चौहान। हम जानना चाहेंगे इनसे कि किस इस बार मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आई हैं और क्या कुछ सुविधाओं का अभाव अभी भी गांव में है, आगे रणनीति इनकी क्या है आगे चुनावों को लेकर के, और किस तरह की जो दिक्कतें हैं अभी गांव में मौजूद हैं, तो इसी कड़ी में हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा चौहान है। इलेक्शन के दौरान जो भी चीज़ें हैं, जो मेन इश्यूज होते हैं लेडीज के साथ, जैसे कि चिकित्सा को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, शिक्षा सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइफ का लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए खास तौर से, शिक्षा के लिए लोगों, लड़कियों के लिए खास तौर से, जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं गरीबी की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस ना लेने की वजह से जो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ये हम लोग
हम पे हुआ तो हम प्रोवाइड करेंगे कि वो शिक्षा ले पाए, जिससे कि वो आगे पढ़े लिखे और अपने पैरों पे आगे खड़े हो सके। दूसरी बात व्यवस्था, कहीं देखा है कि लाइटें नहीं हैं, सड़कों पे अंधेरा रहता है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, नालियों में कीचड़ वगैरह ऐसे ही जाता रहता है, खुली नालियाँ बनी हुई हैं आज के टाइम में भी, जो कि कवर होनी चाहिए वो भी खुली हुई हैं। तो दूसरी चीज़ है व्यवस्था, उसके लिए हम लोग सड़कें भी बनवाएंगे, लाइटें वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, और क्या नाम है, तीसरी चीज़ है वो चिकित्सा। चिकित्सा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेन पॉइंट है महिलाओं के लिए चिकित्सा का, हम जैसे कि कहीं भी हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, कई बार वहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह भी नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटीज़ हम जैसे कि किसी गांव में हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स लेट आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारा मेन इशू है कि पहले हॉस्पिटल्स वगैरह में अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम लोग दे सकें, जिससे कि लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम को लेकर अगर हॉस्पिटल पहुँचती है तो साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट दिया जाए, इलाज दिया जाए, जिससे कि लेडीज़ जो मौतें हो रही हैं आजकल वो भी ना हो, अच्छी लाइफ मिले उनको भी, कभी ये ना हो कि भाई हाँ यार मतलब वो लेडीज़ है जो है वो उस फैसिलिटीज़ नहीं मिली उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। पहले मेन बात इशू ये है कि हम लोग फैसिलिटीज़ को हम लोग आगे अच्छी से अच्छी बनाएं, जिससे कि लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो, एम्बुलेंस वगैरह है वो टाइम से पहुँचे, जिससे प्रेगनेंट लेडी है वो टाइम से हॉस्पिटल पहुँच सके और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। मैं बात करूं आंगनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र की, तो आंगनवाड़ी की क्या कुछ व्यवस्था आपके गांव में है? व्यवस्था है पर जिस लेवल पे होनी चाहिए आज के टाइम में उस लेवल पे नहीं है, स्टाफ है कम है, आता है नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि अच्छी से अच्छी मतलब जो डिस्पेंसरी वगैरह है वहाँ पर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड नहीं होती है नहीं, तो ये चीज़ भी इशू है। मेन तो लेडीज़ के लिए है, ये जेंट्स के लिए नहीं है, पर लेडीज़ सबसे बड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से यह है कि हम लोग अपने गांव में भी अच्छी से अच्छी डिस्पेंसरी वगैरह हो, जिससे कि लेडीज़ वगैरह सबको, एज्ड जो वुमेन है उनको भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग दे सकें। मैम प्रत्याशी तो और भी बहुत सारे चुनाव में हैं, तो जो ये वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं ये आपको ही क्यों चुने? ऐसा है कि मैं मतलब आना चाहिए, उनको कुछ दिखाई दिया है उसकी वजह से मैं उतरना चाहती हूँ, उनकी इच्छा है तो मैं उतरूँगी, और अगर आप लोगों का साथ रहा, जनता का साथ रहा तो मैं आगे भी बढ़ूँगी, और जो भी सुविधाएं नहीं है हमारे गांव में कहीं भी, तो हम उसको आगे प्रोवाइड कर सकें और आगे हम लोग उस दौर को ले जा सकें, जिससे कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ वगैरह की कोई कमी ना हो, सड़कें वगैरह हैं जो भी उसको हम लोग बनवा सकें, अच्छी से अच्छी सुविधाएँ हम लोग गाँव में दे सके। मैम सर्वोदय टीवी इंडिया के लाखों दर्शक आपको अभी लाइव देख रहे हैं, तो आप इसी कड़ी में विराम देते हुए आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही बोलना चाहूँगी कि एक मौका दे दीजिए मुझे, और इस दौर के दौरान आप मुझे समझिए, मैं आपको समझूँ, जिससे कि मेरे लिए भी ईजी होगा आपको समझना, आपकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं को सुन के उनका निवारण करना, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं और मैं जीती तो आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जी जैसा कि आप सभी ने देखा दर्शक, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 13 से आकांक्षा चौहान, जो कि इस बार जिला परिषद पद की उम्मीदवार है। हम ऐसी आशा करते हैं कि गांव का विकास हो, वार्ड का विकास हो। इसी कड़ी को विराम देते हुए मैं आपके साथ सर्वोदय टीवी से दीपा सिंह, नमस्कार।